सहयोग फाउंडेशन जैसा नाम है वैसा ही काम कर रही है। ये कला और संस्कृति के क्षेत्र में उन लोगों का सहयोग कर रही है संस्था, जिनका बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में कोई गॉडफादर नहीं रहा। आजकल के ज़माने में ये गॉडफादर शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स जिनके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं होती, वो अच्छा टैलेंट होने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। और ऐसे में सहयोग फाउंडेशन जैसी संस्था उन लोगों को, और विशेषकर सिंधी समाज के लोगों को, पूरी तरह से सहयोग देने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई। इस संस्था ने सिंधी क्षेत्र के लोगों को असिंधी क्षेत्र के लोगों से, और असिंधी क्षेत्र के लोगों को सिंधी क्षेत्र के लोगों से भी मिलाया है, और सभी के लिए इनके सहयोग के द्वार खुले हुए हैं। इसकी ज़बरदस्त कामयाबी आप लोगों पर निर्भर करती है, क्योंकि आपका सहयोग सहयोग फाउंडेशन को मिले तो सहयोग फाउंडेशन कलाकारों का सहयोग करती है। मैं आज के इस अवसर पर, जबकि एक विशेष कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, महफिल गज़ल महेंद्रजीत सिंह जी द्वारा, मैं सबसे पहले दीप प्रज्वलित करवाना चाहूँगा। जैसा कि हर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रथा रहती है, उसका विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन से और सरस्वती वंदना से हुआ करता है। दीप प्रज्वलन के लिए मैं कुछ हस्तियों के नाम ले रहा हूं, वे कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। सबसे पहले तो सहयोग फाउंडेशन के प्रमुख श्री राम जवाहरानी, जिन्हें आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसके अलावा श्री एसआर कापसे, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है अपने क्षेत्र में। श्रीमान श्रॉफ साहब, विक्यूमल श्रॉफ, और सपना जेसवानी जी, इन चारों से निवेदन है कि मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन में अपना अपना सहयोग दें, कि सहयोग से जो ज्योति प्रज्वलित हो रही है वो निस्संदेह है, उन दिलों में ज़रूर रोशनी करेगी जहां अभी भी रोशनी की कमी है। मैं राम जवाहरानी साहब से निवेदन करूँगा कि वो इस संस्था के प्रमुख के नाते गुलदस्ते भेंट करके इन महानुभावों का स्वागत करें। सबसे पहले कापसे साहब, श्रॉफ साहब, महेंद्रजीत सिंह साहब, बहनों भाइयों, गजलों का आज का ये कार्यक्रम जरा सा अलग है। मैं शुरू में ही थोड़ा सा बोल देता हूं ताकि बाद में गजलों के बीच में मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन आजकल का माहौल, विशेषकर संगीत का माहौल, कुछ अजीब होता जा रहा है। अगर आप पिछले 10 सालों का संगीत देखें तो बजाय उन्नति करने के हम लोग पता नहीं कहाँ भटकते जा रहे हैं। शास्त्रीय संगीत धीरे धीरे कम होता जा रहा है, शास्त्रीय संगीत के नाम पर न जाने क्या क्या होने लगा है। गजलों के क्षेत्र में जहाँ पहले मधुरता, अच्छी गजलें और बहुत अच्छी गायकी पेश की जाती थी, आजकल गजल का मतलब हो गया है केवल शराब की या हुस्न की बात करना, और लोग भूल गए हैं कि गजल किसे कहते हैं।
गालिब साहब, दाग साहब इतनी मेहनत करके जिन गज़लों को अपने ज़माने में चलाते रहे, जिन गज़लों को साहिर लुधियानवी और हसरत जयपुरी और शकील बदायूनी ने यहाँ तक लाया, उन गज़लों को आजकल ऐसा लग रहा है जैसे हम कब्र तक ले जाकर बस दफन करने जा रहे हैं। हल्की फुल्की चीज़ें जिनमें कहीं कहीं अश्लीलता भी आ जाती है, लोग उसे गज़ल समझने लगे हैं। शराब की बात चली कि लगता है यही गज़ल है, लेकिन गज़ल वास्तव में क्या है ये आज आप सुनेंगे। के ओर से एक बार फिर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने एक जाना माना कलाकार, जहां तक मैं समझता हूं कि उन्हें आप जानते हैं, उनकी कला उनके फन को पहचानते हैं, उसको सहयोग फाउंडेशन की ओर से पेश किया गया। इस कलाकार के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उसकी गायकी में एक अनोखा अंदाज है। उसने अपने संगीत में दिल की भावनाओं उमंगों को इस कदर तो भरा है, डाला है कि मैं ये मानता हूं कि संगीत को एक नया मोड़ मिला है, संगीत को एक नई दिशा मिली है, या यूं कहिए कि संगीत के प्यासे दिलों को खींचने का उसमें एक नया एक अनोखा अंदाज है। ऐसे कलाकार के बारे में सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि आने वाला कल उसका हो, आने वाले वक्त में वो हर मंजिल को कामयाबी के छलांग लगा के पार करे। ऐसे कलाकार के लिए मैं ये आशा कर सकता हूँ, यही मेरी उम्मीदें हैं। दूसरा कलाकार यहाँ था जिसकी कैसेट अभी रिलीज की जाएगी, मिस्टर चिंटू सिंह। मैं ये मानता हूँ कि संगीत की लहरों में वो खेले, उसी में उसने परवरिश पाई। अपने पिता के आशीर्वाद और सहयोग से उसने संगीत की दुनिया में एक जोरदार कदम आज रखा है, जिसकी पहली कैसेट प्लस चैनल म्यूजिक डिवीजन की तरफ से आज यहाँ पे सहयोग फाउंडेशन के इस मंच पे रिलीज की जाएगी। इन दोनों कलाकारों ने, बाप बेटों ने,
रंगमंच हो, टीवी सीरियल हो या फिल्म्स हो, अपना एक अलग मुकाम, अपनी एक अलग जगह बनाई है। ऐसे कलाकारों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। दूसरी चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि आज का ये जो फंक्शन है, ये जो उत्सव है सहयोग फाउंडेशन का, उसके पीछे सिर्फ एक ही शख्सियत का हाथ है सक्सेस करने में, वो है सपना जेसवानी। उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए। हरीश साहब से निवेदन है कि उत्तम साहब को फूलों का गुलदस्ता दें। मिस्टर वैभव और मिस्टर अशोक जो प्लस म्यूजिक की तरफ से यहां आए हैं। अब मैं चिंटू सिंह को आवाज दे रहा हूं, वो कलाकार जिसे आपने गिटार वादक के रूप में देखा और सुना है, लेकिन सरोद इसी साज के आधार पर बनाया गया और फिर तो कई साज उस आधार पर बनते गए। ये रबाब साज हिंदुस्तानी फिल्मों में भी बहुत इस्तेमाल हुआ है। चिंटू तुम्हारा ये कैसेट बहुत बहुत कामयाब हो, ये शुभकामनाएं मंच पर जितने हैं वो भी और हॉल में जितने हैं उन सब की तरफ से मैं दे रहा हूं। और आपसे निवेदन करता हूं कि बहुत बहुत जोरदार तालियों से इस कलाकार को अपनी शुभकामनाएं दें। पहाड़ी में ही आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। बाकी कलाकारों का परिचय मैं इस पहाड़ी की रचना के बाद बताऊंगा। आपके सामने है रबाब के साथ चिंटू सिंह। हस्ती हमारे बीच और मौजूद हैं, ठाकुर चावला साहब, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आएं। राम जवाहरानी साहब
फूलों का गुलदस्ता। सिकमी ओ सिकमी सिकी अखे की नसे का।